उत्तर प्रदेश के आगरा में बेसिक शिक्षा विभाग और सरीन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अंतर प्राथमिक सरकारी विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन एक पहल बीआर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से दयालबाग स्थित खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर आयोजित किया गया, जिसमें ताजनगरी के 28 प्राथमिक विद्यालयों के 400 बच्चों ने खेल स्पर्धा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का शुभारम्भ मुख्य अतिथि मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक महेश चंद्र, बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी, विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र वीरेंद्र शर्मा, समाज सेवी डॉक्टर अलौकिक उपाध्याय, सरीन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डबी सरीन, चांद सरीन और एक पहल संस्था के महासचिव मनीष राय ने आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर किया। आयोजक डबी सरीन ने बताया कि पहली बार एक साथ 28 प्राथमिक विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिता कराने का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास एवं खेल के प्रति उत्साह जागृत करना रहा। प्राइवेट विद्यालयों का स्पोर्ट्स डे हर साल मनाया जाता है, लेकिन बेसिक शिक्षा के सरकारी विद्यालयों के बच्चे खेलकूद स्पर्धा से वंचित रहते हैं। साथ सरीन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी भारी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे यहाँ मौजूद है। और खेलकूद सिर्फ मानसिक और शारीरिक विकास ही नहीं देता है, वो कई सारी स्किल्स भी डेवलप करता है, जैसे कि लीडरशिप स्किल, डिसिप्लिन स्किल, टीम वर्किंग स्किल। और जो ये स्किल्स आने वाले आगे भविष्य में बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके देश का भविष्य बनेंगे, देश को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये बहुत सुंदर प्रयास है। इस प्रयास के लिए मैं सरीन ट्रस्ट फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।